हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोबियस क्लासेस। आज क्लास 9 की सेल के पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। सेल हमने पढ़ा था पार्ट 1 में, हम लोगों ने काफ़ी कुछ जाना कि सेल किसको बोलते हैं, टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, उसके साइज़ के बारे में जाना, फिर सेल जो एक टिपिकल सेल बने हुए किस चीज़ से होते हैं, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने जाना कि उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसी को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, फिर जाना साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और इसके साथ हमने ये भी जाना कि कैसे वो सेल के अंदर कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जाना, किस चीज़ के बने होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद उनको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद एक टॉपिक ने हम लोगों ने और करा था, जिसमें हम मैंने बताया था कि आपको किस सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन उसकी वो उसकी जो पार्ट है वो मैं थर्ड वीडियो में बनेगी। मतलब कि अभी जो सेकंड वीडियो है आपका सारा, मतलब साइटोप्लाज्म पूरा क्लियर होगा, उसके साथ साथ कुछ कंटेंट जो बच गए थे वो क्लियर होंगे, ठीक है। और लास्ट एक जो वीडियो बनेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेल ऑर्गेनेल्स होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सेल ऑर्गेनेल्स बनेगा, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स बनेगा। तो हम क्या करते हैं कि आप अपने सेकंड वीडियो पे हम स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ तक बात करते हैं, तो सबसे पहले आते हैं कि अगर आपसे एक सवाल पूछ दिया जाए, ठीक है, अगर आपसे एक सवाल पूछ दिया जाए कि ये एनसीईआरटी का आपका सवाल है, और ये सवाल एग्ज़ाम में इस बार जो 9th के जो एग्ज़ाम हुए थे फाइनल, उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिला था कि अगर किसी एनिमल सेल या प्लांट सेल को, ठीक है, अगर किसी एनिमल सेल या प्लांट सेल को शुगर या साल्ट के सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो क्या क्या से केसेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको तीन केसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, तीन केसेस देखने को मिलेंगे। उनका हमें नाम यहाँ पे एक एक करके मैं मेंशन कर देता हूँ, वो केसेस कौन कौन से होंगे वो देखेंगे। सबसे पहला केस की अगर हम बात करें, सबसे पहला केस की हम बात करें तो एक होता है हमारा, ठीक है, एक होता है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा केस आएगा हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तीसरा आएगा हमारा केस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मतलब अगर हम किसी प्लांट सेल और एनिमल सेल को प्लेस करते हैं, डालते हैं शुगर या साल्ट के सॉल्यूशन में, तो जनरली क्या होगा, तीन केस देखने को मिलेगा। एक होगा आपका हाइपोटोनिक, दूसरा होगा आइसोटोनिक, तीसरा होगा आपका हाइपरटोनिक। तो हम लोगों ने ये तीन चीज़ के बारे में जाना, ठीक है। अब इसको होता क्या है, एक एक करके डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक बात बोलेंगे कि आपने पढ़ा था कि मूवमेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो जनरली मैंने बताया था कि तीन तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक होता है आपका एक्टिव, ठीक है, एक होता है आपका पैसिव, और एक होता है आपका बल्क ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कौन सा होता है, बल्क ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव, पैसिव और बल्क ट्रांसपोर्ट के बारे में मैंने उस दिन बताया था। पैसिव में दो आते हैं, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, और बल्क ट्रांसपोर्ट में भी दो आते हैं, जिसमें हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। तो ये मैंने डिस्कस करा था, ठीक है, जहाँ पे मैंने डिफ्यूजन का मतलब बताया था कि मूवमेंट जब भी होगा आपको, जनरली मैं एक एग्जांपल भी देखे मैंने बताया था कि अगर कोई ए या बी दो व्यक्ति है, ठीक है, ए के पास काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स है, ठीक है, और बी के पास क्या है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे वो अगर बात करें कॉइन्स ए बी को देगा या बी ए को देगा, लाजमी है ए जो है उसके पास ज़्यादा कॉइन्स है, तो ए क्या करेगा, ए बी को क्या करेगा, कॉइन देगा, ठीक है। तो जब भी मूवमेंट होगा या देने का काम होगा, जो हायर से कहाँ पे होगा, लोअर की ओर, हायर से लोअर की ओर, ये चीज़ मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे जब मूवमेंट होगा तो आपको पता है कि कहाँ से होगा, अगर कोई भी सबस्टांस का मूवमेंट होगा तो हायर टू लोअर होगा। अब यहाँ पे केस यहाँ पे रखना क्या है कि जिस सॉल्यूशन में रखा गया है सेल को, ठीक है, जिस सॉल्यूशन में सेल को रखा गया है, तो बात वहाँ पे करते हैं कि उसमें मीडियम किसका ज़्यादा है, मतलब कि क्वांटिटी हम बोलते हैं कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा है, या तो उस सेल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, या जिस मीडियम में उसको या जिस लिक्विड में रखा गया उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे समझते हैं, तो पहला आता है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का, तो सबसे पहले समझते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। जनरली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जब क्या होगा, जब किसी हम बात करें, यहाँ पे हम लिक्विड देखिएगा, ये हमारा लिक्विड जो कि हम बोल सकते हैं शुगर या साल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई भी एक सॉल्यूशन है। तो जब क्या होगा, ये मीडियम का जब कंसंट्रेशन हम बात करें, कंसंट्रेशन यानी कि मात्रा, ठीक है, जब ये वाटर जो है इसमें, जब इसकी मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्या होगी, ज़्यादा, यानी कि हम बात करें मीडियम का कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई, क्या होगा, हाई, और सेल का कंसंट्रेशन क्या होगा, लो। तो आपको पता है कि मूवमेंट कहाँ से होगा, हाई टू लो,
तो हाई टू लो यानी कि ये मीडियम, यानी कि जो मीडियम है वाटर जो है, जो कंसनट्रेशन जो है सॉल्यूशन से कहाँ से जाएगा, ये जा करके सेल में, किस में जाएगा, सेल में, ये सेल में है, ये आपका मीडियम है। तो जब क्या होगा, जब कोई सेल को क्या करेगा, कोई मीडियम सराउंड करेगा और उस मीडियम का कंसनट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सेल। तो नेट जो मूवमेंट होगा कहाँ से होगा, मीडियम से होकर के कहाँ, सेल की ओर। इस कंडीशन में जैसे ही सेल के अंदर क्या होगा, पानी जाना शुरू करेगा, तो सेल क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा, क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा। और इस तरह के केस को हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फिर से मेरी बात को समझना है, इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर, इफ द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल इज हायर देन द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द सेल। अगर जो सेल के बाहर का जो कंसनट्रेशन है पानी का, अगर वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर वाटर कंसनट्रेशन कम होगा, तब क्या होगा, जो नेट मूवमेंट होगा कहाँ पे, सेल के अंदर की ओर, सेल के अंदर, क्योंकि नहीं, वाटर जो होगा सेल के अंदर की ओर जाएगा। अब जनरली सेल के अंदर पानी जाएगा तो सेल क्या करेगा, फूल जाएगा, क्या करेगा, फूल जाएगा, यानी कि वाटर गेन करके वो स्वेल कर जाएगा, क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा, ठीक है। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आप जानते हैं कि वाटर में कौन सा मूवमेंट लगता है, ऑस्मोसिस का ही लगता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये भी लिखा हो कि वाटर कैन मूव इन द सेल फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, इन केस ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मोर अमाउंट ऑफ वाटर इंटर द सेल विच रिजल्ट इन द स्वेलिंग ऑफ सेल्स, ठीक है। तो इसका मैंने एक सिंपल सा केस बताया आपको, लिखना क्या है, इफ द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल इज हायर देन द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द सेल, देन द सेल गेन्स वाटर, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है, एंड द सेल स्वेल्स अप। यहाँ पे लिख दीजिएगा, एंड द सेल स्वेल्स अप, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आप चाहो तो आप सेकेंड वाला पॉइंट को, सेकेंड वाले पॉइंट को कट कर सकते हो, ये पॉइंट को, ठीक है, ये पॉइंट को आप कट कर सकते हो, यहीं पे इसमें ऐड करके एक अच्छा सा डेफिनेशन आप बना सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। सेकंड हम आते हैं आइसोटोनिक पे, ठीक है। आइसोटोनिक क्या होता है, देखिएगा, हम लोग ने जाना कि हाइपरटोनिक क्या होता है, अब सेकंड जो हम जानेंगे आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक का मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, क्या होता है, सेम, ये मीनिंग का ही बात आप जान लीजिए, ठीक है। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। तो जहाँ पे क्या होगा कि जो जिस लिक्विड है, जिस हम बात करें जिस कंसंट्रेशन में, यानी कि हम बात करते हैं जिस कंसंट्रेशन में वाटर है, जिस मीडियम, जिस सॉल्यूशन में जो वाटर है, उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा किसके, सेल के कंसंट्रेशन ऑफ वाटर के। मतलब कि जो सेल में जो वाटर है उसका कंसंट्रेशन बराबर होगा जो सॉल्यूशन है उसके कंसंट्रेशन के। अब आपको एक ही एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक व्यक्ति है ए, यहाँ पे एक व्यक्ति है बी, दो, और यहाँ पे कुछ एक बल्ब बॉल लगा हुआ है, इसको खींच रहा है। अब दोनों का स्ट्रेंथ अगर बोल रहे हैं कि सेम रहा, तो यानी कि ये बराबर ये, इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो मूवमेंट होगा क्या होगा, जो मूवमेंट, नेट मूवमेंट क्या होगा, ये इक्वल टू जीरो, क्या होगा, जीरो, मतलब कि कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब क्या कि जब कोई मीडियम क्या करेगा, सेल को सराउंड करेगा, ठीक है, सेल को सराउंड करेगा, तो जहाँ पे जो मीडियम का कंसंट्रेशन होगा वो इक्वेलेंट होगा, ये इक्वल होगा किसके, सेल के कंसंट्रेशन के, तब क्या होगा कि वहाँ पे मूवमेंट नहीं हो पाएगा, यानी कि ना वो वाटर गेन कर पाएगा, ना ही वो वाटर लॉस कर पाएगा। इस केस में जब कोई नेट मूवमेंट जीरो होता है, यानी कि नो मूवमेंट होगा, तो उस तरह का सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब आते हैं थर्ड हमारा, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक आपने जाना, एक में क्या किया, एक में क्या किया कि सेल में पानी गेन किया, ठीक है, एक में क्या किया, नेट मूवमेंट इक्वल रह गया, मतलब कि जीरो, ठीक है। अब इसमें क्या करेगा, ये लॉस करेगा, क्या करेगा, लॉस करेगा, सेल जो क्या करेगा, वाटर को लॉस करेगा। तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पे ये जो हमारा सेल है, इसका कंसंट्रेशन क्या है, हाई, क्या है, हाई, और ये जो बाहर जो सॉल्यूशन है इसका कंसंट्रेशन क्या है, लो, क्या है, लो। तो जब नेट मूवमेंट की बात करें, तो अगर कोई हम बात करें, इफ़ द सेल्स आर केप्ट इन एन एनवायरनमेंट विच हैज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, क्या बोल रहा है कि अगर कोई एनवायरनमेंट में रखा गया जिसका क्या होगा कि लोअर कंसंट्रेशन रहा, ठीक है, वट इज प्रेजेंट इन साइड द सेल्स ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल। तो इसका अगर हम चाहोगे तो आपका सिंपल डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ द मीडियम हैविंग लोअर कंसंट्रेशन
सराउंडिंग द सेल हैविंग हाइयर कंसेंट्रेशन। आप चाहो तो यहाँ वाटर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। इफ द मीडियम हैविंग लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर सराउंडिंग द सेल हैविंग हायर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल लॉसेस वाटर विच लीड्स टू द श्रिंकेज ऑफ सेल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब कोई अगर मीडियम क्या करेगा सर, ठीक है, कोई अगर मीडियम जो होगा जिसका कंसंट्रेशन लोअर रहेगा, अगर वो सेल को सराउंड करेगा और सेल का कंसंट्रेशन क्या होगा हाई, तो इस कंडीशन में मूवमेंट होगा हाई टू लो, यानी कि सेल से पानी बाहर निकल करके कहाँ सेल का वाटर को बाहर निकलेगा और कहाँ पे जाएगा वो सॉल्यूशन में जाएगा। तो इस केस में जब कोई भी सेल से पानी निकलेगा तो लाजमी क्या है कि सेल क्या करेगा श्रिंक करेगा, क्या करेगा श्रिंक, श्रिंक मतलब सिकुड़ना होता है, ठीक है, श्रिंक मतलब होता है सिकुड़ना। तो जब सिकुड़ेगा तो इस केस में क्या होगा कि वो क्या कर जाएगा कि वो प्रोसेस आपको कहलाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, इसी आपको समझ में आएगी। अब यहाँ पे एक टर्म आता है प्लाज्मोलाइसिस, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो प्लाज्मोलाइसिस सेम चीज़ है, एक ऐसा प्रोसेस है जब क्या होता है कि सेल का कंटेंट, ठीक है, सेल का कंटेंट अगर हम बात करें, ये सेल है, ठीक है, सेल का कंटेंट है, ये क्या करेगा अगर सेल के अंदर इस कंटेंट है तो ये क्या करेगा सेल के कंटेंट क्या करेगा कि वो अवे जाएगा, अवे मतलब कहने का मतलब सिकुड़ेगा, ठीक है। अगर ये हम बात करें कि यहाँ से पहले यहाँ से पूरे यहाँ तक भरा हुआ था, ठीक है, लेकिन क्या किया कि वाटर लॉस करने के वजह से इसका जो अंदर का कंटेंट है वो धीरे धीरे सिकुड़ करके यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया इस तरीके से, मतलब धीरे धीरे अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा ये श्रिंक करेगा, क्या करेगा श्रिंक, और ये सिकुड़ने लगेगा इस तरीके से, ये वाला पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पूरा ख़त्म हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप बन जाएगा, काफ़ी ज़्यादा गैप बन जाएगा। मतलब क्या कि एक ऐसा प्लाज्मोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें क्या होगा कि सेल का कंटेंट जो होगा सेल सेल वॉल से अवे चला जाएगा, सेल वॉल से अवे चला जाएगा, यानी कि वो सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। कब होगा ये, जब वो वाटर को लॉस करेगा, क्या करेगा लॉस करेगा, तो इस कंडीशन में इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। और आपको पता है कि ये कब होगा, ओनली इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि हाइपरटोनिक में सेल क्या कर रहा था श्रिंक कर रहा था, हम लोगों ने लास्ट पढ़ा, ठीक है, तो श्रिंक कर रहा था, तो आपको तो उस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। वो केस को हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, लेकिन इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम प्लाज्मोलाइसिस। एग्जाम में आता है कि व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस, तो आपको ये डेफिनेशन यहाँ पे याद रखिएगा, बढ़िया डेफिनेशन है, ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या कोई डेड से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो यहाँ पे जनरली कि डेड सेल्स वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल और है कि हाउ प्लांट्स फंगी एंड बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आपको हाइपोटोनिक में जाने क्या उसमें सेल गेन करेगा वाटर और क्या करेगा सेल स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। तो अब जब सेल मेम्ब्रेन है या हम बात करें तो फूल जाएगा, तो फिर ये क्या वो एग्जिस्ट कर सकता है उसमें। तो आपको पता होगा जो फंगी होते हैं या फिर बैक्टीरिया होते हैं, जनरली अगर हम फंगी की बात करें तो उनका जो सेल वॉल बना हुआ है एक टफ कम्प्लेक्स सुगर सबस्टांस से बना हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं काइटिन, क्या बोलते हैं उसको काइटिन, ठीक है, एक टफ कम्प्लेक्स सुगर सबस्टांस है जो कि सेल वॉल जो क्या बनाता है टफ हार्ड या रिजिड बनाता है, ठीक है। तो फंगी का जो सेल वॉल होता है टफ हार्ड या रिजिड होता है, रिजिड का मैं कहने का मतलब हार्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट्स भी लिखा हुआ है कि प्लांट फंगी एंड बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन सच सिचुएशंस, क्यों, बिकॉज देयर सेल वॉल आर रिजिड, सेल या सेल मेम्ब्रेन्स आर रिजिड, उनके सेल मेम्ब्रेन जो रिजिड होते हैं मतलब हार्ड होते हैं। तो अगर वो स्वेल भी कर जाते हैं ना सेल मेम्ब्रेन, तो उससे क्या होता है कि वो उसमें इतना हार्ड होता है कि वो उसको फटने से क्या कर सकते हैं सेल सेल को मेम्ब्रेन को फटने से वो रोक सकते हैं, क्योंकि उसका सेल मेम्ब्रेन क्या होता है बहुत ही ज़्यादा टफ हार्ड या रिजिड होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनका सेल बना होता है किस चीज़ के, आपका काइटिन का, जो कि एक टफ कम्प्लेक्स सुगर सबस्टांस है, टफ कम्प्लेक्स सुगर सबस टांस, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हम लोगों ने अब ये चीज़ जाना, अब हम लोग थोड़ा सा बेसिकली चीज़ जान लेते हैं कि हम लास्ट क्लास में मैंने एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया था।
आज फिर एक बार बता देता हूँ कि क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्या होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्या होता है बल्क ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो जनरली आपको जान रहे कि सेल के में क्या होता है, सबस्टांस का मूवमेंट इनवर्ड आउटवर्ड हो रहा है। तो जनरली ये सब हो रहा है तो जनरली ये ट्रांसपोर्टेशन कोई तो कर रहा होगा किसी तरह का ट्रांसपोर्ट मीन्स, मतलब अगर हम बात करें कि अगर हमको यहाँ से कुछ चीज़ कहीं भेजना है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई हम एक एजेंट या किसी चीज़ का कैरियर का इस्तेमाल करेंगे जो कि एक जगह से दूसरी जगह वो चीज़ को लेकर के जाएगा। तो सबसे पहला आता हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्या आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरी बात करें तो आता हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्या आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। और तीसरी की बात करें तो बल्क ट्रांसपोर्ट, क्या होता है बल्क ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे मेरी बात समझिएगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जब ट्रांसपोर्ट होगा किसका, चाहे मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, ठीक है। तो कहाँ से होगा, ये होगा आपका हायर टू लोअर, क्या होगा हायर टू लोअर, ठीक है। जब ट्रांसपोर्टेशन होगा हायर टू लोअर, ठीक है, या आप बोल सकते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर, या इसको रुक दो, इसको सही कर देते हैं, वर्ड लैंग्वेज सही कर दे रहे हैं। जब ट्रांसपोर्टन अरे जब ट्रांसपोर्टेशन होगा लोअर टू हायर, फ्रॉम वगैरह लगाने कोई जरूरत नहीं, उलटने का मैथमेटिक्स वाला, ठीक है। जब ट्रांसपोर्टेशन होगा लोअर टू हायर, अब हम जान रहे थे कि जनरली मूवमेंट हो रहा था हायर टू लोअर में, मतलब जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन रहेगा या उससे कहाँ पे जाएगा लो कंसंट्रेशन की ओर। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें आयंस की बात करें या मॉलिक्यूल्स की बात करें, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है जस्ट अपोजिट, मतलब कि लोअर टू हायर डायरेक्शन में, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन में होता है। तो इसमें जब जानिएगा, जब कोई हम ही अगर बताते हैं अगर हम लोग इस डायरेक्शन में चल रहे हैं और हवा इस डायरेक्शन में चल रही है, तो क्या होता है कि हमारा जो होता है ना वो चलने का वो स्पीड, हमको जो हमारा स्पीड होता है ये दौड़ने का जो स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा कम जाएगा। क्यों कम जाएगा, क्योंकि हम वहाँ पे हम लोग और ताकत भी हम लोग को ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो लाजमी सी बात है कि अगर हम जो हवा जिस डायरेक्शन में चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो हमारी एनर्जी लगेगी। तो यहाँ पे भी यही केस लगाना है कि जब ये मूवमेंट लोअर से हायर की में होगा तब क्या होगा, यहाँ पे ये सेल क्या करेगा, एटीपी को, एनर्जी को क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेगा, ठीक है, सेलुलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेगा। तो इसका एक पॉइंट आपका बन सकता है क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट रखिएगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन तो होता है विद द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, मतलब इसमें एनर्जी का क्या किया जाता है खपत होता है, और ये एक रैपिड प्रोसेस है, रैपिड मतलब फास्ट प्रोसेस है, ठीक है, जनरली ये फास्ट प्रोसेस है। और इसमें एक चीज़ और जानिएगा, ये सिर्फ वन डायरेक्शन में होते हैं, इट टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन ओनली, इट टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है, ये सिर्फ एक एक डायरेक्शन में जाएंगे। और ये दो तीन पॉइंट आपके लिए सफिशिएंट है समझने के लिए इस चीज़ को, ठीक है। दूसरे आते हैं हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट बारे में समझे। तो पैसिव का मतलब होता है क्या, इसमें क्या होगा, ये एक स्लो प्रोसेस है, क्या ये स्लो प्रोसेस, ठीक है, और ये उसी डायरेक्शन में होगा, आप जिस डायरेक्शन में क्या है हायर से लोअर, जैसा कि हम डिफ्यूजन में जान रहे थे, ऑस्मोसिस में जान रहे थे, ये हायर टू क्या होगा लोअर हम लोगों ने जाना। और इसके अंदर आते भी क्या क्या हैं, एक आते हैं आपका डिफ्यूजन आ गया एक आपका, और दूसरा क्या आ गया आपका ऑस्मोसिस, क्या आ गया ऑस्मोसिस। तो जनरली इसमें मूवमेंट जो होगा हायर से लोअर की ओर ही होगा। तो इसमें क्या होता है एनर्जी का यूज बिना विदाउट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, मतलब इसमें एनर्जी को क्या करता है यूज नहीं करता है। और ये जो होता है ये टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, मतलब ये दोनों डायरेक्शन में क्या होंगे मूवमेंट होगा इसका, मतलब इसका ट्रांसपोर्टेशन दोनों डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इसका ट्रांसपोर्टेशन दोनों डायरेक्शन में होगा। और याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी तरीके का इस्तेमाल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब आप एग्जांपल में दे सकते हैं, उसमें आपका ट्रांस क्या क्या बोलते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिएगा कि अब आता है एक हमारा ट्रांसपोर्ट। तो बल्क ट्रांसपोर्ट जनरली एक कैरियर ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब इसमें एक कैरियर चाहिए, ठीक है, जो होता है ना कैरियर बीच बीच का आदमी, ठीक है, जिसको वो कैरी करने से हमको ए का सामान कुछ सी के पास पहुंचाना है, तो यहाँ पे बी एक कैरियर बनेगा, इसको देगा, ये जाके इसको देगा, ठीक है। तो इंडोसाइटोसिस का मतलब आपको बताए थे, जब क्या करेगा, जब जनरली क्या होगा कि इंडो का मतलब होता है इनसाइड, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी तरफ कोई भी चीज़ क्या करेगा सेल का कोई भी कंटेंट को या कोई भी चीज़ को अपनी तरफ इनगल्फ करेगा, क्या करेगा इनगल्फ करेगा, या बोलते हैं अंदर की तरफ लेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे इंडोसाइटोसिस, क्या बोलेंगे इसको इंडोसाइटोसिस, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें एक्सोसाइटोसिस की, तो एक्सोसाइटोसिस में अगर हम बात करें बाहर बोल रहे हैं कि सेल के अंदर कोई चीज़ है और इसको क्या कर रहा है कि यहाँ पे इसको क्या कर रहा है कि ये बाहर निकालना, सेल से अगर कोई भी चीज़ को बाहर निकालना, ठीक है, सेल से कोई चीज़ को बाहर निकालना, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है आपका एक्सो
साइटोसिस, ठीक है। तो ये इतना जानना नहीं है, जनरली आपको ध्यान रखना है इस पे, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और उसके बाद हम लोग जानेंगे ट्रांसपोर्टेशन, हम लोग ने जान लिया, ठीक है। अब हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में जानेंगे कि साइटोप्लाज्म होता क्या है एक्चुअली। मैंने आपको पहले पढ़ाया ही है कि साइटोप्लाज्म बोलते किसको है, जनरली आप क्लास 8 में भी मेरे से पढ़े होंगे, तो अच्छे तरीके से मैंने सेल को एक्सप्लेन किया था, फिर भी मैं एक्सप्लेन यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला बात करें कि ये साइटोप्लाज्म क्या है, तो साइटोप्लाज्म जनरली जेली लाइक फ्लूड होता है। क्या होता है जेली लाइक फ्लूड? जेली कहने का मतलब, जैसे कि हम बात करें जो होता है ना, इसको किस तरीके से बोलते हैं, चॉकलेट जेली, चॉकलेट आता है जेली, विस्कस होता है, मतलब कि आप जिसको बोल सकते हैं ना, वो फ्लो कर सकता है। जैसे हम टूथपेस्ट, हम अपना देख लीजिए, ठीक है, टूथपेस्ट देख लीजिए, जेल वाला जो टूथपेस्ट आता है वो भी एक तरह का क्या है, साइटोप्लाज्म जैसा होता है, ठीक है। आपको मैंने इस तरीके से भी समझाया था सेल के बारे में, कैसे समझेंगे। जनरली जो सेल मेम्ब्रेन होता है, इसका एक मैंने एग्जांपल देता पिज्ज़ा का। पिज्ज़ा जो जनरली होता है, समझिए उसका जो आउटर, वो ब्रेड हो गया, ठीक है, ब्रेड हो गया पूरा, समझ लीजिए पूरा उसका आउटर बाउंड्री वो सेल मेम्ब्रेन हो गया, और उसके ऊपर जो चीज़ होते हैं ना, वो क्या हो गया आपका साइटोप्लाज्म, और उसके ऊपर जो जितने भी सबस्टांस दिए होते हैं, ओनियन वगैरह जो भी दिया होता है सबस्टांस, वो सारा सबस्टांस आपका क्या हो गया, सेल ऑर्गेनेल्स। ये चीज़ मैंने आपको समझने के लिए बताया था। तो जनरली जानना क्या, साइटोप्लाज्म एक जेली सेमी फ्लूड होता है, ठीक है, जो कि कहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वैसे चीज को बोलेंगे जो कि न्यूक्लियस को घेरता है, ठीक है, न्यूक्लियस को घेरता है। उसके साथ साथ आपको बताया कि ये जो आप जो जेली लाइक सबस्टांस होता है ना, वो बना होता है किस चीज का, सिस्टोल का, किस चीज का, सिस्टोल का, जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड मतलब चिपके हुए होते हैं, और कुछ ऐसे भी इनसोल्यूबल वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे स्टार्च होते हैं, ग्लाइकोजन होते हैं, लिपिड प्रोटीन होते हैं, आप चाहो तो इसको काट सकते हो, ठीक है, यहाँ तक ही आप लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वैसे एक्वस सबस्टांस इसमें होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टोल, यानी कि साइटोप्लाज्म का जो एक्वस जो लिक्विड वाला सबस्टांस जो होता है, वो सिस्टोल कहलाता है, जिसमें सब सारे सेल ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। एक चीज़ इसमें और है, एक इसका फंक्शन क्या, प्रोटोप्लाज्म क्या है, यहाँ पे एक टर्म आता है बार बार, ये चीज़ आपसे पूछा जाता है, कहीं भी आप जाइएगा तो आपसे ये टर्म जरूर पूछ लेगा कि प्रोटोप्लाज्म बोलते किसको हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रोटोप्लाज्म के बारे में कि प्रोटोप्लाज्म ये वर्ड आया कहाँ से। तो जनरली एक पुर्किंजी नाम के व्यक्ति थे, ठीक है, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, ये वर्ड, ये टर्म को कॉइन किया था, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है कि अगर कोई सेल जिसमें न्यूक्लियस और क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स ये सब मिल करके क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और जनरली प्रोटोप्लाज्म क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिस तरीके से हम बात करें कि वो चीज़ करता है, एमिनो एसिड, प्रोटीन्स, विटामिन, ये सबको स्टोर करने का काम करता है। और जनरली अगर यहीं पे हम बात करें, एक मेजर प्लेस है जहाँ पे सेल के अंदर, जहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारा क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि फैटी एसिड्स का बनना, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस का बनना, ठीक है, ये सब बना जाता है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। यहाँ हम बात करें प्रोटोप्लाज्म में ये सब होता है। तो ये पुर्किंजी के द्वारा किया गया था इन द ईयर 1839, ठीक है। अब आते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस के बारे में हम जान रहे हैं, तो न्यूक्लियस के बारे में आपको मैंने बताया था, फर्स्ट डे ही बाई मिस्टेक ये निकल गया था मेरे मुंह से कि सेल का डिस्कवरी किसने किया था, तो मैंने वहाँ पे रॉबर्ट हुक की जगह रॉबर्ट ब्राउन बोल दिया था, तो उसमें मैंने करेक्ट भी किया था उस समय। तो न्यूक्लियस की बात करें, तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने किया था इन द ईयर 1831, ठीक है, और सेल थ्योरी 1838 में दिया गया था, आपको पता होगा, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन की बात करें, तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने किया 1831 में। अब जनरली न्यूक्लियस होता क्या है, अगर हम न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई करना चाहें तो ये हम सेल समझ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये जो सेंटर वाला पे यहाँ देखेंगे, हम प्लांट सेल में देखेंगे, ठीक है, प्लांट सेल में देखेंगे, ये वाला पार्ट न्यूक्लियस कहलाता है, क्या, न्यूक्लियस। और अगर हम बात करें एनिमल सेल में, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है आपका, न्यूक्लियस, ठीक है, क्या कहलाता है, ये न्यूक्लियस। तो एक स्मॉल स्फेरिकल डेंस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्मॉल स्फेरिकल डेंस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, प्लांट सेल में पेरीफेरी, पेरीफेरी कहने का मतलब एड्ज, क्या होता है, एड्ज मतलब किनारे में। और अगर हम बात करें एनिमल सेल में, तो क्या यहाँ पे, सेंटर में पाया जाता है। जनरली न्यूक्लियर न्यूक्लियस जो होता है चार पार्ट से बना होता है, एक हमारा होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लास्ट, तीसरा होता है आपका न्यूक्लियोलस, और चौथा क्या होता है आपका, क्रोमोजोम्स, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो थिन मेम्ब्रेन होता है, जिस तरीके से सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है, कवर करके रखता है,
उसी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी जो होता है वो क्या करता है, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये हम बोल सकते हैं इट इज़ अ थिन डबल लेयर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट सराउंड्स द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म। जैसे यहाँ पे हम फिगर से आपको हम दिखा रहे हैं कि अगर ये जो ये वाला जो आप देख रहे होंगे उसको थोड़ा सा, ठीक है, अगर हम बात करें ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपका क्या है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या करता है कि ये न्यूक्लियस को सराउंड करता है और ये सेल के कंटेंट से इसको सेपरेट करता है, मतलब सेल के बाकी जो कंटेंट है न्यूक्लियस को, इसको देखिएगा, ये अगर हम बात करें ये न्यूक्लियस हो गया, तो इसको इसको अलग करने का काम कौन कर रहा है, ये बीच वाला, ये ब्लैक वाला, ठीक है, ये ब्लैक वाला जो लाइन में रिपीट करना, ये क्या कर रहा है, रेड और ये जो हम कलर से दिखा रहे हैं आपको, ये दोनों को क्या करता है, अलग करके रखता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जनरली ये जो होता है पोरस, अब लाजमी है कि पोरस होगा तभी तो मूवमेंट ऑफ सबस्टांस होगा इनवर्ड टू आउटवर्ड। जैसे हम बताएं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पोरस है तो सबस्टांस का मूवमेंट इनवर्ड से आउटवर्ड या आउटवर्ड से इनवर्ड होता है। तो चीज़ तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस जो होता है वो तो ब्रेन ऑफ द सेल कहलाता है, तो इसको भी तो चाहिए, ठीक है, इसको भी चाहिए सबस्टांस का मूवमेंट इनवर्ड से आउटवर्ड होगा इसके अंदर। तो ये तभी संभव है जब इसका ये क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोरस होगा, पोरस मतलब उसमें होल्स होंगे और सबस्टांस का मूवमेंट इनवर्ड या आउटवर्ड होगा। उसके बाद आता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है एक फ्लूइड पार्ट होता है जिसमें न्यूक्लियस एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस का एक एक फ्लूइड पार्ट, फ्लूइड मतलब लिक्विड जैसा पार्ट जिसमें ये बाकी उसके दोनों पार्ट न्यूक्लियोलस और क्रोमोजोम क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। सिंपल सी बात समझना है, न्यूक्लियोप्लाज्म एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक तरल मतलब होता है, लिक्विड बोल सकते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ फ्लूइड लिक्विड बोल सकते हैं उसको, जिसके अंदर ये न्यूक्लियोलस और क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, मौजूद होते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इट इज़ मेड अप ऑफ वाटरी फ्लूड विथ सेवरल कंपाउंड्स और डिजॉल्व। अभी मैंने बताया कि न्यूक्लियर प्लाज्म ऑलरेडी क्या है आपका, ये वाटरी फ्लूड है, इसमें बहुत सारे कंपाउंड डिजॉल्व होते हैं, तो उस चीज़ को हम टर्म करते हैं कैरियो प्लाज्म। क्या बोलते हैं उसको, कैरियो प्लाज्म, ठीक है। अब आते हैं हम न्यूक्लियोलस के बारे में, न्यूक्लियोलस क्या होता है, तो न्यूक्लियोलस एक डेंस स्फेरिकल बॉडी होता है जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, और ये क्या करता है, न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स को बनाता है, ठीक है, राइबोसोम्स को बनाता है जो कि साइटोप्लाज्म में पास कर दिया जाता है और हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। अभी ये वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि ये सर आप राइबोसोम्स और प्रोटीन सिंथेसिस क्या बोल दिए, तो ये आपको समझना है जब मैं सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ाऊंगा राइबोसोम्स के बारे में, तब मैं वहाँ पे बताऊंगा राइबोसोम्स का फंक्शन। बस अभी सिर्फ अभी के लिए इतना याद रखिए कि राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन को बनाने में मदद करता है, यानी कि इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो सिंपली यहाँ पे यही बोल रहा है कि ये क्या करता है, न्यूक्लियोलस जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ये क्या करता है, राइबोसोम्स को बनाता है, ठीक है, और जो साइटोप्लाज्म में चला जाता है, और ये क्या करता है, ये हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। अगर उसके बाद अगर हम बात करें क्रोमोजोम्स की, ठीक है, क्रोमोजोम्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ होता है, क्रोमोजोम्स को बोलते हैं वो नेटवर्क ऑफ फाइबरस मटेरियल होता है, नेटवर्क ऑफ फाइबरस मटेरियल जो कि बना होता है डीएनए और प्रोटीन्स का, ठीक है। हम बात करें तो ये क्रोमोसोम जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हम बात करें कि अगर वो धागा लाइक रचना होता है जो कि क्या करता है, जो बना होता है डीएनए और प्रोटीन्स का, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटीन। क्या बोलते हैं उसको, क्रोमेटीन। और यही कंडेंस्ड रूप ऑफ क्रोमेटीन जो होते हैं वो क्या करते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होता है, जनरली ये पेरेंटल कैरेक्टर्स को हम बात करें, या क्रोमोसोम्स जो होता है वो सेल डिवाइड जब करता है ना, जब हम बात करें रिप्रोडक्शन जब पढ़िएगा तो आप क्रोमोसोम्स के बारे में जानिएगा, उसमें सेल जब डिवाइड करता है ना तो इसमें क्या होता है, ये क्रोमोसोम्स बढ़ते हैं, जनरली ये आपका पेयर्स में होते हैं, कितने में होते हैं, पेयर्स में, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में बताएंगे वो चीज़। अब यहाँ पे उसके बाद समझिएगा, ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना ये जीन्स को कैरी करते हैं, जीन्स जनरली होते क्या हैं, वो पेरेंटल कैरेक्टर्स मतलब कि जो पेरेंट्स में जो कैरेक्टर्स हैं, जो गुण हैं, वो उसको क्या करते हैं, वो उसको ले करके उसके ऑफस्प्रिंग्स तक ले जाते हैं, यानी कि ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो जीन्स को कैरी करते हैं जो कि पेरेंट का कैरेक्टर को उनके नेक्स्ट जनरेशन तक, यानी कि उनके ऑफस्प्रिंग्स तक ले जाने का काम करते हैं। यहाँ पे मैंने ये भी बता रखा है कि राइबोसोम्स सॉरी जो क्रोमोसोम जो होते हैं 46 होते हैं, यानी कि पेयर्स में होते हैं, 23 23, जिसमें से आपका 2 ऑटोसोम्स होता है और 44 क्या कहलाता है आपका सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये चीज़ था आपका न्यूक्लियस के बारे में, सारा चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब वीडियो कितना लंबा हो गया देख लो, 25 मिनट का हो गया है, तो एक लास्ट टॉपिक है, ख़त्म ही कर देते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी।
अब जनरली मैंने आपको बताया था कि सेल को हम लोग डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स के बारे में, ठीक है। अगर हम उसी तरीके से बात करें कि सेल को नंबर ऑफ सेल्स के हिसाब से हम बात करें तो दो तरीके था, एक था आपका यूनिसेलुलर और एक था आपका मल्टी सेलुलर, ठीक है। एक था यूनिसेलुलर, एक था आपका अगर हम बात करें उसी चीज के हिसाब से कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स के हिसाब से, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स के हिसाब। अब बात करते हैं इस चीज के बारे में कि हमारा जो ये बेसिस ऑफ, अगर हम बात करें कि ये एक तो जाना हमने कि यूनिसेलुलर नंबर ऑफ सेल्स के हिसाब से, अगर हम बोले इसका जो सेकंड कैटेगरी होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स के हिसाब से, या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बात करें न्यूक्लियस के हिसाब से, दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है हमारा यूकैरियोटिक। अब ये वर्ड का मतलब आपको समझाऊंगा कि ये प्रोकैरियोटिक होता क्या है और यूकैरियोटिक क्या होता है, ठीक है। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें, ये वर्ड मैंने लिख दे रहा हूँ, प्रोकैरियोट्स, ठीक है, या प्रोकैरियोटिक। तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, क्या होता है प्रिमिटिव, ठीक है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, और इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स। तो जिसमें फॉल्स न्यूक्लियस मतलब कि न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दोनों क्या होंगे, मौजूद नहीं होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। और यू का मतलब होता है, वो भी मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, यूकैरियोटिक का मतलब अगर हम बात करें, यू का मतलब होता है ट्रू, और इसका मतलब क्या होता है न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस और उसके मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दोनों क्या होंगे, मौजूद होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल, क्या बोलेंगे उसको, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं जिसमें मेंशन कर रखा है मैंने, प्रोकैरियोटिक ये सिंपलेस होता है, मैं आपको बताया, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कुछ भी मौजूद नहीं होता, देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस नहीं होता मैंने बताया, इसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर भी इसमें नहीं होते, यानी कि सेलर वॉल्स वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि फ्यू इंटरनल स्ट्रक्चर, इसमें ज़्यादा इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता, मतलब इसके अंदर बहुत सारे चीज़ अंदर पाए नहीं जाते, जनरली ये होते हैं यूनिसेलुलर मतलब कि एक सेल के बने होते हैं, पहले ही मैंने बताया, ठीक है। एग्जाम्पल में आप बैक्टीरिया ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आपका यूकैरियोटिक की, तो यूकैरियोटिक में आपका आता है, यूकैरियोटिक में हम बात करें कि ये द मोस्ट, चल क्यों नहीं रहा ये, तो जनरली ये जो आपका होते हैं, ब्लैक सेल, ठीक है। यूकैरियोटिक की बात करें तो यू का मतलब मैंने बताया कि इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दोनों क्या होंगे, मौजूद होंगे, और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, मतलब कि एक और एक एक की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इससे बने होंगे, अगर हम बात करें कि एक सेल के नहीं, ये बहुत सारे सेल के बने होंगे, तो जनरली हम इसमें एक पॉइंट भी लिखा होगा मल्टी सेलर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, मतलब कि ये एडवांस तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम लोग इसी के अंदर आते हैं ह्यूमन बींग्स। इसमें न्यूक्लियस इसमें होंगे और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर भी होगा, सेल ऑर्गेनेल्स होंगे जो कि मेम्ब्रेन से लेयर से कवरिंग होंगे, ठीक है, मल्टी सेलुलर होंगे, बताया मैंने, मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल में हम लोग आ गए एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। इसका एक बेसिक डिफरेंस लास्ट में है, वो मैं दिखा दे रहा हूँ, इसका साइज जनरली जो होता है प्रोकैरियोटिक का, ठीक है, प्रोकैरियोटिक का जो साइज होता है जनरली वो होता है आपका, होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर, ठीक है, 1 to 10 माइक्रोमीटर, बहुत छोटा होता है, और ये जो होता है आपका 5 से 10 माइक्रोमीटर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आज मैं होमवर्क में भी दूंगा, ठीक है। अब बात करें इसमें न्यूक्लियर रीजन नहीं होता है, आपको बताया इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस के साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों भी मौजूद होते हैं। इसमें एक क्रोमोसोम्स होंगे, इसमें क्या होगा, मोर देन वन क्रोमोसोम्स। आप इसमें ये भी आप एक पॉइंट ले सकते हो कि दे आर यूनिसेलुलर, फिर यहाँ पे आप एक पॉइंट डालिएगा दे आर मल्टी सेलुलर, ठीक है, एक पॉइंट आप और डाल दीजिएगा, एग्जाम्पल में आप दे दीजिएगा बैक्टीरिया, और यहाँ पे एग्जाम्पल में दे दीजिएगा आप क्या, ह्यूमंस प्लांट्स या एनिमल्स भी आप दे सकते थे ह्यूमंस काट के, ठीक है, हम लोग तो उसी के अंदर आ जाएंगे, समझ में आ रही है बात। उसके बाद मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, जैसे कि बताया इसमें ना ही न्यूक्लियस ना मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मौजूद होंगे, इसमें न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दोनों क्या होंगे, मौजूद होंगे, ठीक है। तो आज मैंने सेल का ये लगभग टॉपिक कंप्लीट कर दिया, मतलब जितना मैंने कंटेंट बताया था वो सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगली क्लास में आपकी बची हुई चीज़ क्या है वो समझिएगा, एक जो चीज़ आपकी बची हुई है सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब सारे सेल ऑर्गेनेल्स, करीब 8 या 9 सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, ठीक है,
तो वो करवा दूंगा। उसके साथ साथ एक चीज़ आपका बच गई, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, वो 5-6 पॉइंट। तो मुश्किल से अगला क्लास होगा भी, वो भी आधे घंटे का जाएगा ही, और उसमें आपका चैप्टर 1 पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग होमवर्क करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। देखिए, हो सकता है कल कल आप सूर्य सर की वीडियो अपलोड हो, अगर नहीं हो पाई तो मैं अपना वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, तो आप लोग